पंजाब का 23 खरब 57 करोड़ का बजट पेश। हजाम, टेलर्स, डॉक्टर्स, हकीम, वकला, किसान, ताजिर, सनतकार सब टैक्स की जद में आ गए। 1500 रुपए से जायद फीस लेने वाले डॉक्टर्स पर 5% टैक्स लगाने की तजवीज। होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हकीमों पर 3000, वकला पर सालाना 1000 रुपए टैक्स आयद करने की तजवीज। सिगरेट और तंबाकू के कारोबार पर 4000 रुपए टैक्स अदा करने की तजवीज। ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक अशिया वाले स्टोर्स पर 2000, आइसक्रीम, बेकर्स, स्वीट्स, एसी शॉप पर सालाना 5000 टैक्स की तजवीज। बजट 2019-20 में हुकूमत की जानिब से टैक्सों की भरमार। ड्रेस डिजाइनर्स और बड़े टेलर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज। केबल ऑपरेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस और जरई अद्वियात फरोख्त करने वालों पर सालाना 2000 टैक्स की तजवीज। अपार्टमेंट, रियल स्टेट और किरायेदारी पर 16% टैक्स लगाने की तजवीज। मनी चेंजर्स पर 6000, मोटरसाइकिल डीलर्स पर 6 से 10 हजार टैक्स की तजवीज। टैक्स इन्वाइस जाहिर ना करने वालों को 20 से 50 हजार टैक्स आयद करने की तजवीज। पंजाब हुकूमत ने शहरियों पर 86 अरब रुपए टैक्स का इजाफी बोझ डाल दिया। बराह रास्त टैक्सेस की मद में 294 अरब रुपए का तखमीना। आइंदा माली साल में पंजाब में टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी 388 अरब 40 करोड़ रुपए मुतवक्के। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 166 अरब 60 करोड़ रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 81 अरब 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगा। नए माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 350 अरब रुपए मुख्तिस। साफ पानी की फराहमी के लिए 8 अरब रुपए मुख्तिस। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की भी तजवीज। नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जों की भी खुशखबरी। 3 अरब से बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में 1.5 लाख सीनियर सिटीजन के लिए 2000 महाना अलाउंस। यतीम बच्चों और बेवाओं के लिए 2 अरब से सरप्रस्त प्रोग्राम की भी तजवीज। खवातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए 7 अरब की लागत से 5 साल मंसूबा शुरू होगा। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 28 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, हुकूमत मुखालिफ नारे, बजट कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। झूठ झूठ के नारों में वजीर खजाना हाशिम जवां बख्त ने बजट तकरीर मुकम्मल की। स्पीकर ने इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब का जो बजट आया ये गूंगा बहरा बजट था। हमें नहीं समझ लगी कि हमें हम कहां खड़े हैं। आपने जिस तरह डॉलर महंगा करना था कर लिया, पेट्रोल महंगा करना था कर लिया, यहाँ तक के सब्जियां जो इस मुल्क में पैदा होती है वो भी महंगी कर दी गई है। पंजाब बजट में टैक्सों की भरमार, ताजिर फट पड़े। कहते हैं बजट में आम आदमी और ताजिर के लिए मायूसी के सिवा कुछ नहीं। कार डीलर्स एसोसिएशन ने बजट को गूंगा बहरा करार दे दिया। हुकूमत रेवेन्यू जमा करने का टारगेट पूरा करना चाहती है तो रिलीफ दे। ये बजट नहीं है, ये तो आवाम के लिए जहर कातिल है। हजाम को, एक नाई को, एक टैक्सी वाले को, एक लॉन्ड्री वाले को, प्राइवेट डॉक्टर को, धोबी को 16% सर्विस टैक्स आयद कर दिया गया है। बजट में हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं पाकिस्तानी तारीख में ऐसा माशी बहरान कभी नहीं आया। हुकूमत की तरजीहात सिर्फ इंतकाम पर हैं। ये गिरफ्तारियां करवा कर खुश हो रहे हैं, मईशत वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पंजाब और विफाक के बजट को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई हुकूमत आते ही अपने तमाम वादे भूल गई। अपोजिशन पर केसेस बनाकर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। बहुत अच्छा बजट पेश हुआ, आप पढ़े जरा देखें। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब अभी ब्रीफिंग अभी भी दी है और कल भी बैठेंगे आप लोगों के साथ। पंजाब का बजट बहुत अच्छा आया है, इसको पढ़ें और देखें। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं बजट आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए है, तमाम इलाकों की पायदार और मुतवाजन तरक्की शामिल है। तब्दीली सरकार का कारनामा, कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर की रोकथाम के लिए बालिग आबादी के लिए 3.5 रुपए फीकस मुख्तिस। बजट में जना मेडिकल टावर, माँ बच्चा सेहत ब्लॉक गंगाराम समेत दीगर मंसूबों के लिए मतलूबा मुकाबले में 10% से भी कम फंड्स मुख्तिस।
پی کے ایل آئی کا منصوبہ آئندہ مالی سال میں بھی ادھورا رہے گا، 3 ارب درکار، صرف 50 کروڑ ملیں گے۔ معیاری تعلیم کی فراہمی حکومت کی ترجیح، نئے مالی سال کے لیے 383 ارب مختص، صوبے میں 6 نئی یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان، ہر تحصیل میں 1 بوائز کالج کا ہدف مقرر، صوبے کے 68 کالجز میں سہولیات فراہمی کے لیے 1 ارب 36 کروڑ مختص، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 10 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 73 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص، 10 سرکاری کالجوں میں بی ایس آنرز بلاکس کی تعمیر کے لیے 19 کروڑ 45 لاکھ روپے مختص۔ آئندہ مالی سال میں محکمہ بلدیات اور مقامی حکومتوں کی ترقیاتی و غیر ترقیاتی اسکیموں کے لیے 437 ارب 10 کروڑ مختص، شہر میں سڑکوں گلیوں کی تعمیر پر مجموعی طور پر 2 ارب سے زائد خرچ ہوں گے، یونین کونسلز کی نئی عمارتوں کی تعمیر کے لیے 55 کروڑ مختص، یو سی 253 سروس کے پی سی سی ڈرینج ورک کے لیے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص، مانگا منڈی ڈسپوزل سسٹم کے لیے 1.5 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ رواں مالی سال واسا کی جاری 18 اسکیموں کے لیے 1 ارب 6 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص، واسا کی 21 نئی اسکیموں کے لیے 37 کروڑ 30 لاکھ روپے مختص، رواں مالی سال میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کی اسکیموں کے لیے 22 ارب 40 کروڑ مختص، نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 10 ارب 22 کروڑ، جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 12 ارب 18 کروڑ روپے مختص۔ زندگیاں بچانے والے ادارے ریسکیو 1122 کے بجٹ پر بھی کلہاڑا چل گیا، 1 ارب 40 کروڑ کے مقابلے میں 80 کروڑ ترقیاتی فنڈ کی مد میں مختص، گزشتہ 5 سال کے نسبت رواں سال سب سے کم بجٹ مختص کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے شہر تونسا میں 2 مقامات پر ریسکیو سروسز قائم کرنے کے لیے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ سیکٹر کے بجٹ میں گزشتہ مالی سال کی نسبت 60% کمی، 13 ارب 50 کروڑ کے بجٹ میں سے 12 ارب 96 کروڑ صرف اورنج لائن ٹرین پر استعمال ہوں گے۔ سپورٹس بورڈ لاہور کے 9 منصوبوں پر 12 کروڑ 57 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے، نوجوانوں کے لیے آئندہ سال میں کھیلوں کا کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں ہوگا، 3 دہائیوں سے نامکمل سکواش کمپلیکس بجٹ سے محروم۔ بجٹ میں زراعت کی ترقی کے لیے 40 ارب 76 کروڑ، کسانوں کو سبسڈی کے لیے 7 ارب 85 کروڑ روپے کی تجویز، حکومت 3 ارب 45 کروڑ کی لاگت سے 55 کروڑ درخت لگائے گی۔ گورنر پنجاب کے اخراجات میں کمی اور ایوان وزیراعلیٰ کے اخراجات میں اضافہ، گورنر ہاؤس کے اخراجات 37 لاکھ، ایوان وزیراعلیٰ نے 18 کروڑ 59 لاکھ اضافی خرچ کر ڈالے، ادھر پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں 90 ارب اضافی خرچ کر ڈالے، اضافی اخراجات سول ورکس، انتظامی امور، قرضہ جات کی ادائیگی پر خرچ کیے گئے۔ پی ٹی آئی کی حکومت رواں سال ترقیاتی ہدف کے حصول میں ناکام، 238 ارب کے بجٹ میں سے صرف 144 ارب خرچ کیے جا سکے، لاہور کے متعدد سکولوں سمیت 15 کالجز میں سہولیات کی فراہمی، سپورٹس سٹیڈیمز کی تعمیر، اسپتالوں میں ریڈیولوجی، یورولوجی، دماغی امراض کی سہولیات فراہمی کے منصوبے ادھورے رہ گئے، ناقص پلاننگ اور عدم دلچسپی کے سبب کئی منصوبے نامکمل۔ بازاروں میں ڈالر، گولڈ مارکیٹ میں سونے کی میراتھن، ڈالر کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 156 روپے کی سطح پر پہنچ گیا، دن ہی دن میں سونا بھی 2500 روپے مہنگا، 24 کیرات فی تولہ قیمت 75,000 ہو گئی۔ وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے پر غور، مدت ملازمت 2 سے 3 سال کے اضافے کے لیے وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ سے بھی تجاویز مانگی۔ مہنگائی کے پے در پے جھٹکوں سے سرکاری ملازمین ہلکان، تنخواہوں میں 10% اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے کر مسترد کر دیا، ادھر پنجاب اسمبلی کے باہر آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا احتجاجی مظاہرہ، حکومت کے خلاف نعرے بازی، اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش، مظاہرین کا ڈیلی ویجز کو مستقل کرنے، تنخواہیں اور مراد 50% بڑھانے کا مطالبہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے باہر اسکولوں کے سینئر اساتذہ کا احتجاجی مظاہرہ، فوری طور پر کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کا مطالبہ، مظاہرین کی مطالبات پورے نہ ہونے پر 10 جولائی سے احتجاج کی دھمکی۔
जिला इंतजामिया का इंक्रोचमेंट अमला गफलत का शिकार। मिंट गुमरी और मैकलोर रोड के इलाकों में एक बार फिर तजावुजात की भरमार। पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा, राहगीरों के लिए पैदल चलना दुश्वार हो गया। नैब लाहौर ने सूबाई वजीर जंगलात सप्तैन खान को गिरफ्तार कर लिया। चनियोट में ठेकों के केस में गिरफ्तार किया गया, आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ने मुश्ताक चीनी को वादा माफ गवाह बनाने के लिए एहतसाब अदालत से इजाजत मांग ली। मुश्ताक चीनी को चेयरमैन नैब के रूबरू पेश करने के लिए इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वकला दो धड़ों में तकसीम। मतहत अदालतों में जुजवी हड़ताल। पंजाब बार और लाहौर बार ने जजेस के एहतसाब की हिमायत करते हुए हड़ताल की मुखालफत कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की भी मुलाकात। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की जेर सदारत मजहबी सियाहत विरसा कमेटी का इजलास। असद उमर, शेख रशीद अहमद और पीर अनवारुल हक कारी की शिरकत। बाबा गुरु नानक की मजहबी तकरीबात के लिए ननकानंद साहब में टेंट सिटी बनाने और 10,000 यात्रियों के लिए इंतजाम करने की हिदायत। चेयरमैन कैबिनेट कमेटी बराए खजाना असद उमर की चैम्बर ऑफ आमद। ताजरों सनतकारों से मुलाकात। रहनुमाओं का हुकूमत से सेल्स टैक्स रिफंड का मुतालबा। सदर चैम्बर का हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी में एतमाद का बहरान दूर करने का मुतालबा। आज गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्ला अब्बासी की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर आमद। ई चलानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। उधर आईजी पंजाब की जेर सदारत इजलास। तमाम दरियाई चेक पोस्टों की गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट 30 जून तक तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की वालिदा की नमाज जनाजा अदा। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, जस्टिस मामूर रशीद, सैयद मजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान, हफीजुर रहमान चौधरी समेत जजेस, वकला और दीगर शख्सियात की शिरकत। ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी की मंसूरा अहमद, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। इलाकाई सलामती, मिली यकजहती और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। डेनमार्क की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी डानिएडा के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। कटार बंद पर मुमकिन वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट का दौरा। वफ्द के अरकान का प्रोजेक्ट में खसूसी इजहार दिलचस्पी। सुंदस फाउंडेशन के जरिए एहतमाम खून का अतिया देने के लिए आलमी दिन के मौके पर तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं खून के अतिये से कई लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। बेगम परवीन सरवर, सुहेल वड़ाई समेत दिगर की शिरकत। सिटी न्यूज नेटवर्क के प्रोड्यूसर बेंसल रुबिनसन की मंगनी की तकरीब। एंकर अबूजर, शेख असद, हारिस खान, यूनस बरकत, पास्टर एडिसन, पास्टर सलीम सुल्तान, जावेद अख्तर और अजीजो अकारिब समेत दोस्त अहबाब की शिरकत। और नई हॉलीवुड फिल्म एक्स मैन डार्क फिनिक्स का पेप्सी के ताबून से प्रीमियर शो। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पेप्सी ने अपना नया एडिशन पेप्सी ब्लैक मुतारिफ कराया जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया।